चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियां हो जिंदगी दुश्वार हो जाए। दोस्तों, असगर गोंदवी साहब का ये जो शेर है ये जिंदगी के ऊपर है, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह बिग बॉस के घर पे भी फिट होता है। बिग बॉस के घर पे भी ऐसे ही अगर मतलब आसानियां नहीं है, लेकिन अगर आसानियां हो तो बिग बॉस के घर का सफर भी कोई ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग इतना नहीं रहेगा, बिग बॉस देखने में भी मजा नहीं आएगा। तो इसलिए कौन है जो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसके बारे में शेर ये किया कि चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से। तो बात करते हैं, इससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये डायलॉग बोलना मुझे बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दोस्तों, आपको पता तो चल ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कि बिग बॉस घर में सबसे बड़ी बिग बॉस जीतने की दावेदार मानी जाती, समझी जाती मेगा धाड़े। तो बिग बॉस के घर में कितनी मुश्किलें आई, कितना कुछ हुआ, कितना मतलब दौर से कितने गुजरना पड़ा, किसके साथ पंगा, उसके साथ पंगा, उसके साथ विवाद, उसके साथ झगड़ा, और ये सब कई तरह तरह से हमले तीखे भी हुए उन पे। किसी ने मतलब वो झगड़े में आस्ताद ने काले ने जैसे आप छपरी तक बोला, बहुत कुछ ऐसा हुआ, लेकिन वो उस सब के बीच में से निकलते हुए शो में आगे बढ़ती रही और उसी अपने जो है स्माइल को, अपनी मतलब रिएक्शंस को मेंटेन करते हुए। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा होगा कि बाकी सब जैसे खासकर पुष्कर और सही के चेहरे ये थे जो फुल ऑफ नेगेटिविटी थे कि ऐसे जैसे अंदर की भड़ास निकाल रहा है, लेकिन मेघा ऐसे स्माइलिंगली सब चीजें सुन रही थी और फिर उसने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए। तो दोस्तों, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर बिग बॉस ने जो कल एपिसोड बनाया ना सबको सबको रुलाने वाला, तो उसमें मेघा का नहीं दिखाया था, तो आप लोगों के भी ऑब्जेक्शन जायज थे कि मेघा का आज क्यों नहीं दिखाया है। तो मैंने भी आप कल की वीडियो में बोला था कि मेघा का कल कैसे दिखोगे, एक जो है ना मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी ज्यादा व्यूअरशिप आती है उसी को बाद में रखा जाता है, तो कि लोग वेट करें कि हाँ यार कल मेघा का देखेंगे। तो आज जब आप मेघा का एपिसोड देखोगे ना, मेघा को जब उसकी पूरी जर्नी दिखाई बिग बॉस ने, तो मेघा अपने आप को रोक ना पाई और मेघा के आंसुओं का जैसे सैलाब बह गया, और ये आप देखेंगे तो आप खुद भी अपने आप को उस इमोशन में, उन इमोशन में बहने से और मेघा के साथ रोने से रोक नहीं पाओगे। दोस्तों, इसलिए वेट कीजिए आज के एपिसोड का, और तब तक कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.